सकते हैं स्कूल की हालत कैसी है, क्रैक्स पड़े हुए पूरे, और यहाँ पे ये ऑफिस है, जैसे कि यहाँ के सिटीजन बता रहे हैं कि ये ऑफिस है, देखिए ऑफिस यहाँ से जाने का रास्ता और यहाँ से निकलने का रास्ता, ये ऑफिस बिल्कुल तबाह हो चुका है, गिर चुका है, क्रैक्स पड़े, ये देखिए दो क्लासरूम्स हैं, जैसे कि दिख आपको, आप देख भी पा रहे होंगे कि ये देखिए क्लास है, यहाँ पे क्रैक्स है, कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, ये देखिए क्रैक्स भी पड़े हुए स्कूल में, तो स्कूल में यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि स्कूल कितना टाइम हुआ स्कूल को यहाँ पे आए हुए, और जब ये स्कूल यहाँ पे आया तो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले थे, और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, क्या इस ऐसे डेंजर प्लेस पे ऐसे स्कूल तो लग ही नहीं रहा है, ऐसे खंडर पड़ा हुआ है, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ के ही यूथ से कि यहाँ पे जो स्टडी हो रही है क्या वो कंटिन्यू हो रही है, टीचर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे स्टडी हो पा रही है कि नहीं। हमारे साथ में है यहाँ पे, आपका नाम सचिन कुमार। हाँ, तो आप बताइए कि ये स्कूल कब यहाँ पे आया था, कितना टाइम हुआ? कोई 10-12 साल हो गए स्कूल को इधर। जैसे कि ये 10-12 साल हो गए, 10-12 साल से फंक्शन है यहाँ पे, स्कूल चल रहा है? नहीं, ये चल रहा था 5-6 साल चला, और 3-4 साल हो गए इसको गिरे। ये कैसे गिरा था? ये अचानक की कुछ प्रॉब्लम थी, मटेरियल भी ठीक नहीं था इसको, और कुछ भूंचाल वगैरह आया था। अच्छा, काम अच्छा नहीं हुआ था, भूंचाल आने की वजह से ये फिर गिर गया। और उसके बाद बच्चे कितने पढ़ते थे यहाँ पे? बच्चे यहाँ पे 40-50 बच्चे थे यहाँ पे, 40-50 पढ़ते। और मतलब अभी पढ़ रहे हैं? अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ के जो बच्चे हैं तो उनको कम से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। कहाँ पे जा रहे हैं? ऊपर वाली मरवाना में जा रहे हैं, 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ के बच्चों को पढ़ रहा है। प्राइमरी स्कूल? हाँ, ये प्राइमरी स्कूल। जैसे कि आपको पता है, ये बता रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल है, और यहाँ के बच्चे जो छोटे छोटे हैं, प्राइमरी स्कूल के आपको पता है बच्चे कितने छोटे छोटे होते हैं, तो यहाँ से उनको मलवाना, यहाँ से दूर देखिए वो गाँव है जो ऊपर, उधर जाना पड़ता है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश भी कर रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से पहाड़ी एरिया है, कैसे वहां तक सफर करेंगे, कैसे वो चल पाएंगे वहां तक बैग लेकर। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वहाँ पे 30-40 बच्चे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये स्कूल बंद, मतलब ये जब गिर गया तो ऐसा नहीं था कि कहीं और पे सेटअप किया स्कूल को, या मतलब अटैच किया किसी स्कूल के साथ, क्या हुआ था उसके बाद? इसको अटैच किया तो ऊपर वाले मलवना में अटैच किया, जो कि 3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है, और यहाँ के बच्चों को रास्ते में ये प्रॉब्लम पड़ती है कि वहाँ पे 3-4 किलोमीटर दूर है, शेर वगैरह वहाँ पे होते हैं, और सांप वगैरह ज्यादा वहाँ पे होते हैं, तो ज्यादातर की शेर होते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, कहीं किसी को पकड़ी, बहुत सारी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे शेर होते हैं, सांप वगैरह होता है, बड़ा बड़ा घास होता है, घास का टाइम है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ के बच्चों को इतने दूर जाना, कि 5-5, 6-6 साल के बच्चों को 3-4 किलोमीटर दूर जाना, वो भी पैदल, और सांप वगैरह होते हैं रास्ते में, शेर वगैरह बहुत बार देखा गया कि शेर वहाँ पे थे, बड़ी मुश्किल आती है यहाँ के बच्चों को इतना दूर जाना। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पे हमारे यहाँ के कुछ सिटीजन भी हैं, उनसे बात करेंगे हम। आप भी बताएं कि आपके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते थे? हाँ, हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़ते थे। तो मतलब कितने 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 साल के हैं वो? अभी तो बच्चे मेरे हाई स्कूल में गए, अभी जो दो बच्चे स्कूल में थे, यहाँ पे जब स्कूल की एक खस्ता हालत हो चुकी थी, यहाँ पे डर लग रहा था, बाहर ग्राउंड में पढ़ा रही थी, फिर जाकर उन्होंने बोला कि नहीं, आप इस स्कूल को अटैच कर दो, प्राइमरी स्कूल को, हाई स्कूल में। हमारे और भी यहाँ पे यहाँ के लोग हैं, इनसे पूछेंगे। हाँ जी, आपका नाम? नेकराम। आप बताएं मुझे कि ये स्कूल जो है ये कितने टाइम से यहाँ पर आ रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आपको पता होगा? मालूम होगा, ये 12 साल हो गए, 12 साल में 5-6 साल बच्चों ने पढ़ाया, उसके बाद जनाब वाली जब गिर गया तो बच्चे डरने लगे, मास्टर डरने लगे, वो कहने लगे हमको कमरा दे दो, हमारे पास कमरा नहीं था, हमने कहाँ से देना, हमारे पास कमरा नहीं, अगर करोगे ठीक तो ठीक है, नहीं करोगे तो हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है। देखो ये लंगर का कूड़ा वो भी उठा दिया, ट्रेन शीन सारी पाइपें वाइप उठा दी, वो वाला जो ये खाटा भरना है, तो बस ऐसे पड़े हैं सब कुछ, बच्चे ऊपर पढ़ते, देखो ये दीप का लाल इधर, उसकी लड़के को पैर में काटा था सांप ने। अच्छा, रास्ते में जाते। जी, जैसे कि ये बता रहे हैं, देखिए ये प्रॉब्लम हमारे को हमेशा, हम ये बात उठाते आए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिक्वेस्ट करते आए, हमेशा डिमांड करते आए कि हमारे एरियाज में जो एजुकेशन है, हमारे आज का जो जे एंड के यूटी है,
उसको बना दिया गया है, उनको कहा जाता है कि अब हम लोगों के बाहर के लोगों के साथ बाहर के बच्चों के साथ कम्पीट करेंगे, तो कैसे हम कम्पीट कर पाएंगे? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये सवाल करता हूँ कि हमारा बच्चा जब इस स्कूल में पढ़ेगा और इतने दूर दूर जाके पढ़ेगा तो बिहारी या दिल्ली के बच्चे के साथ कैसे कम्पीट कर पाएगा? कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे स्कूलों का? और डीसी साहब से रिक्वेस्ट की जाती है और पूरे ZDO साहब से, CEO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, यही डिमांड थी पूरे इलाके की, पूरे लोगों की यही डिमांड थी कि यहाँ पे जल्द से जल्द इस स्कूल को रिपेयर किया जाए, यहाँ पे जल्द से जल्द फंक्शनिंग हो स्कूल की और यहाँ पे बच्चे पढ़ पाए, क्योंकि यहाँ के बच्चों को दूर जाना पड़ रहा है। जैसे कि आपने सुना कि लोगों ने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ के बच्चों को सांप ने काटा जाके, उसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर किसी का बच्चा कहीं मर जाएगा, किसी का बच्चा कुछ हो जाएगा, तो यहाँ गवर्नमेंट इसकी जिम्मेवार होगी? तो इसलिए यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो जल्द से जल्द पूरी हो, और हम इसी के साथ में ये उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द यहाँ पे स्कूल अच्छा करेगी, यहाँ के बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, और इसी के साथ में शुक्रिया।